हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो की हाल है, ठीक हो ना? सो फाइनली गाइज, वी आर बैक आफ्टर अ लॉन्ग ब्रेक, ठीक है ना? तो गाइज, आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने जा रही है। जैसे कि आप जो मेरी पावर चेक कर सकते हो, भाई साहब जो ये न्यूज़ है ना, मैं कहता हूँ तो भाई, वैसे थंबनेल और टाइटल तो देख लिया होगा, वीडियो लास्ट तक लाजिम देखनी है। हम लोग इसमें जो है ना, आरपी का रिव्यू भी कर रहे हैं, क्योंकि आरपी के मैंने लीक्स वगैरह नहीं डाले थे कुछ रीजंस की वजह से, बट अभी हम लोग जो है ना, वो सारा कुछ टेस्ट आउट करते हैं कि क्या सीन है और क्या नहीं है। सो ए व्हाट्स अप एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, जैसे कि आप सबको पता है कि सबका जो फेवरेट सूट फिलहाल जा रहा है वो है जी मम्मी सेट, और मम्मी सेट की इतनी ज़्यादा कोई डिमांड हो चुकी है ना पबजी मोबाइल में, मम्मी सेट एंड वैम्पायर सेट, उसके साथ जो हेलमेट आया है, ओए होए, वो तो पहले ही आप लोगों को पता है आया हुआ था। उसकी जो डेडलाइन थी वो जस्ट 2 डेज बाद डेडलाइन जो है उसकी होने वाली थी, तो लोग काफ़ी परेशान थे, क्योंकि जो यूसी स्टेशन है वो आना था 22 अगस्त को, और 22 अगस्त से पहले ही 21 अगस्त को जो है वो चला जाना था मम्मी सेट है। तो गाइस, यहाँ पे पबजी मोबाइल ने जो है वो अपने बंदों की, प्लेयर्स की जो है वो यहाँ पे सुन ली है, और उनकी विश यहाँ पे पूरी करने के लिए उन लोगों ने यहाँ पे 42 डेज जो हैं वो मम्मी सेट के लकी क्रेट में इंक्रीज कर दिए हैं। अब आप लोग इजी पीजी कर सकते हो। मैंने एक्चुअली परसों जो है लास्ट डे पे ओपनिंग करनी थी, क्योंकि यूसी स्टेशन अगर होता तो मैं पहले ही कर लेता, बट यहाँ पे यूसी स्टेशन हमारा लेट आना था और ये पहले ही चला जाना था, तो मेरा ये आइडिया था कि हम लोग इसको ना लास्ट डे पे जो है ओपनिंग करेंगे, वो भी लाइव आकर। बट यहाँ पे जो है अब 42 डेज जैसे ही इंक्रीज हो चुके हैं, अब तो भाई इजी पीजी यूसी स्टेशन से सस्ते यूसी बाय करने हैं, सही है ना, और इसकी दुमदार क्रेट ओपनिंग करनी है। उम्मीद है कि हमारा मम्मी सूट भी निकल आएगा, तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दो नीचे, लाइव पे हम लोग खोलेंगे। आप लोगों ने या तो यूसी स्टेशन से आप लोग यूसी ले सकते हैं, ज़्यादातर तो लोग अब यूसी स्टेशन से ही लेंगे और ये मम्मी सेट को खोलेंगे, बिकॉज 42 डेज महीने से भी बहुत ऊपर है, 12 दिन ऊपर महीने के बाद भी आप लोग इसको जो है वो क्रेट ओपनिंग इसकी कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने 9 खोले थे, मुझे तो कख भी नहीं मिला। तो अब गाइस चलते हैं, हम लोग जरा रिव्यू करते हैं, न्यू जो आरपी है वो आ चुका है, तो देखते हैं कि आरपी किस तरह का है, हमें लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। तो गाइस यहाँ पे लॉबी में हम लोग आ चुके हैं और आरपी यहाँ पे हम लोगों ने जो है वो ओपन कर लिया है। फर्स्ट पे हमें जो 4 क्लासिक क्रेट इजी पीजी मिलते हैं वो तो मिल ही गए हैं, और ये पहला जो हमारा आरपी का सूट है वो बिल्कुल ही ठीक ठाक ही है। बस यहाँ पे पीपी की स्किन जो है ना, ओए होए होए होए, पीपी की स्किन यहाँ पे बड़ी लेवल की है, जैसे कि ये गोल्डन लश्कारे मार रही है, पीपी की स्किन में जो है वो थोड़ा मज़ा है। और आगे जाके अभी हम लोग देखते हैं क्या सीन है, पीपी फिलहाल मज़े की है, और ये हेडगेयर वगैरह तो वैसे ही मुझे नहीं पसंद है, कवर वगैरह। और यहाँ पे हमारे पास जो बैकपैक की स्किन है वो भी बस ठीक ठाक है, लेकिन एक आप लोगों को फ्री की स्किन मिल रही है, और क्या चाहिए यार, स्किन यहाँ पे एक बैकपैक की मिल रही है, ठीक ठाक सी स्किन है। और यहाँ पे एक स्ट्रीट डांसर का हमें जो इमोट है वो फ्री 15 RP पे मिल रहा है, मतलब फ्री लोगों, जो लोग नहीं आरपी लेते उनको भी मिल सकता है, बट इस दफ़ा आरपी भी गिव अवेज करने हमने लाइव पे आकर। सब्सक्राइब कर लो ताकि आप लोग को भी आरपी मिल सके। और यहाँ पे रिंग्स ऑर्नमेंट मिल रहा है, इसमें भी हमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। और आगे जाते हैं, और यहाँ पे स्टन ग्रेनेड है, ये भी ठीक ठाक सी बस स्किन लग रही है। और यहाँ पे ये डड्डू वाले चश्मे यहाँ पे इन्होंने दे दिए हमें। उसके बाद आगे ये एक सेट आ रहा है सिंपल सा, और यहाँ पे ये भी अच्छी स्किन है, लाइक बोट की स्किन भी बहुत ही कोई अरेबियन टाइप सी है। और हमारे पास एक शॉटगन की स्किन है रेड कलर में, और हमारे पास जो मेन स्किन है ना गन की थीम रिलेटेड वो ये है MK47 की, लाइक ठीक ठाक स्किन है, गोल्डन है। और यहाँ पे इस बार तीन तीन हम लोगों को जो है वो मिथिक्स देखने को मिल रहे हैं इस आरपी में। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हो काफ़ी एक ओपी सा जो है ना आरपी का आउटफिट आया, उसके साथ जो एनिमेशन जो है ना उसके बैक साइड का सूट के वो जो दुपट्टा हिलता है वो काफ़ी ओपी सा है। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हो उसका जो हमने हेडगेयर पहन लिया है, और इसका जो मेन इमोट है वो ये है, ये आप लोग चेक कर सकते हो, काफ़ी कोई ओपी सा इमोट है। आरपी में सबसे मज़े की बात यह है जिनका जो मिथिक फैशन होने वाला है वो अब ईजी हो जाएगा, क्योंकि 3 मिथिक्स तो आपको यहीं से मिल जाते हैं और आपको ज़रूरत ही नहीं है ओपनिंग शॉपनिंग करने की। बहरहाल कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कौन कौन मम्मी सेट की ओपनिंग करेगा। बाकी यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं एरोप्लेन की जो हेलीकॉप्टर की वो सस्ती स्किन है वो वापस आ चुकी है, और ये तो हमें पिछले आरपी में वैसे ही मिल गया था। और ओपन क्रेट में हम लोग देखते हैं यहाँ पे हमारे पास सीजन 19 की जो चीज़ें वगैरह थी हमारे पास आइटम्स वो सारी यहाँ पे आ चुके हैं मिथिक्स के साथ, लेकिन मेरे पास तो ये सब कुछ ही है, मैं ये बिल्कुल भी ओपनिंग नहीं करूँगा। तो गाइस स्टे ट्यून्ड फॉर द मम्मी सेट क्रेट ओपनिंग, और आप लोग भी करोगे यानी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। यही थी आज की वीडियो, अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करें सब्सक्राइब करें। पीस आउट, बाय बाय।